घूजी वायरस बेकाबू, शहर में कोरोना की डबल सेंचुरी। लाहौर में मजीद 5 नए मरीज सामने आ गए। कंफर्म मरीजों की तादाद 204 हो गई। न्यू हॉस्पिटल में 127, PKLI में 24 मरीज जेरे निगरानी। दोनों हॉस्पिटल से 14 मरीज सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज। पंजाब भर में 928 अफराद वायरस का शिकार। डीजी खान से 213 जायरीन। मुल्तान में 91 जायरीन। रायबिंड क्वारंटीन 142 और फैसलाबाद क्वारंटीन में 5 मरीज। रावलपिंडी 53, झेलम 28, ननकाना साहब में 13, गुजरात में 91, मंडी बहाउद्दीन में 14, सरगोधा में 10, विहाड़ी में 8, फैसलाबाद में 9, रहीम यार खान, मियावाली और बहावल नगर में 3-3 मरीज जेर इलाज। हाफिजाबाद में 5, नारोवाल में 2 मरीज। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या इकदाम किए। मोजी वायरस फैलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म की पहली बार लाहौर आमद। इमरान खान कल एक रोजा दौरे पर लाहौर आएंगे। वज़ीर-ए-आला और गवर्नर पंजाब से अलग अलग मुलाकातें शेड्यूल। कोरोना वायरस की सूरत हाल और लॉकडाउन के इंतजाम का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को खैरात के हवाले से कामों का तजुर्बा है। वज़ीर-ए-आज़म गरीब आवाम के लिए फिक्रमंद है। मुस्तहक अफराद का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। कोशिश है कोई भूखा ना रहे। हमारे डॉक्टर्स, तिब्बी अमले कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। किट्स फार्मा ने 50,000 कोरोना किट्स फराहम की हैं। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में कोरोना के अब तक 17,069 टेस्ट किए गए। 920 टेस्ट मुस्बत और 16,149 मनफी आए। सूबाई वजीर सेहत का ट्वीट। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत मजदूरों के लिए रिलीफ पैकेज का भी जायजा इजलास हुआ। फलाही इदारों की जानिब से मुस्तहक अफराद को राशन की तकसीम से मुतालिक ब्रीफिंग। अब कोरोना के मरीज प्राइवेट इलाज भी करवा सकेंगे। निजी हॉस्पिटल में मरीजों के लिए 650 वेंटिलेटर्स के इंतजाम मुकम्मल। लाहौर में 7 नई सरकारी और निजी लैब्स को कोरोना टेस्ट करने के लिए फाल कर दिया गया। जनरल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ भी PCR टेस्ट करेगा। PKLI, पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, मुगल आई हॉस्पिटल को भी PCR करने की मंजूरी मिल गई। रोजाना 5,000 कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। इस्तेतात रखने वाले मरीज निजी हॉस्पिटल में इलाज करवा सकेंगे। CEO हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर शुएब खान। कोरोना से बचाओ, नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद। मसाजिद में 3 से 5 अफराद की जानिब से नमाज की अदायगी। उलमा की जानिब से मुख्तसर खुतबात। मुल्की सलामती और कोरोना से बचाओ के लिए अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं। मस्जिद शोहदा और लोहारी मस्जिद समेत दीगर मसाजिद में 5 से जायद नमाजियों को दाखिले से रोका गया। लोगों को घरों में नमाज पढ़ने की हदायत। बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने रिकत आमेज दुआ करवाई। ए अल्लाह, आज इस कोरोना की वबा ने पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में लिया है। अल्लाह, तू इससे हमें नजात अता कर दे। अल्लाह, तू हमें इससे नजात अता कर दे। ए अल्लाह, आज सारी दुनिया बेबस हो गई है। अल्लाह, आज किसी के पास इसका इलाज नहीं है, मगर तू तो करीम है, तू तो रहीम है। आवाम को लम्हा बालम्हा बाखबर रखने वाले मीडिया नुमाइंदगान का ख्याल रखा जाए। मीडिया वर्कर्स को अपना ऑफिस कार्ड दिखाकर शहर में नकलो हरकत की इजाज़त है। पुलिस अहलकार नाकों पर मीडिया नुमाइंदगान को तंग ना करें। परेशानी की सूरत में CCPO दफ्तर के नंबर पर रब्ता करें। CCPO लाहौर ने हिदायत जारी कर दी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का मिशन। रायवन सिटी में तीसरे रोज भी लॉकडाउन रहा। पुलिस और रेंजर्स का सड़कों पर गश्त। सेक्टर 3 और 4 में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन। तबलीगी मरकज को जाने वाले रास्ते बैरियर और खारदार ताले लगाकर बंद। सेक्टर 1 और 2 में लॉकडाउन में नरमी। रायवन सिटी, सुंदर रोड, मांगा रोड और मेन बाजार के इलाकों में करियाना स्टोर, जर्नल स्टोर और सब्जी और फ्रूट की दुकानें खोलने की इजाजत।
लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन, हंगामी बुनियादों पर 10 मॉडल बाजारों में आटा सेल पॉइंट्स दोबारा फाल। वादत रोड, चूंक, सब्जाजार, रायविंड में आटा दस्तियाब। चाइना स्कीम, ठोकर न्याज बेग और हरबंसपुरा में भी आटे के स्टॉल्स। महकमा खुराक ने 10,000 आटे के थैले बाजारों में पहुंचा दिए। दो रोज कबल इंतजामिया ने 10 मॉडल बाजारों से आटा पॉइंट्स खत्म किए थे। ज़रई मशीनरी की मरम्मत के लिए वर्कशॉप्स खोली जाएं, किसानों के लिए हार्वेस्टर में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। 30 मार्च को ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खोलने के अहकाम दिए थे। सूबाई वजीर मलिक नुमान लंगड़ियाल की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू, कहा कि पंजाब में बारिशों से गंदम का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस साल गंदम की रिकॉर्ड फसल होगी, किसानों को बर वक्त बारदाना फराहम करने का अज़्म। सरपरस्त अंजुमन ताजरान सुहेल इम्तियाज बट कहते हैं, बड़े शहरों में तो दुकानें खुल गईं, छोटे शहरों में वर्कशॉप्स बंद हैं। इंतजामिया हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद करवाए। लॉकडाउन के बाद सप्लाई मुतासर, ब्रायलर फिर महंगा, कीमत 16 रुपये किलो मजीद बढ़ गई। ब्रायलर की कीमत 180 रुपये फी किलो मुकर्रर, दो रोज़ में ब्रायलर 19 रुपये किलो महंगा। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई, शहरी ब्रायलर महंगा होने पर परेशान। खपत कम होने के बायस ब्रायलर की पैदावार में कमी हुई, जिसके बायस कीमतें गैर मुस्तहकम हैं। चेयरमैन पंजाब ब्रायलर एसोसिएशन सरदार तजम्मो, वज़ीर-ए-आला पंजाब से सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर फंड ब्राय कोरोना कंट्रोल के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। कोरोना के खिलाफ जंग आवाम की मदद से जीतेंगे, वज़ीर-ए-आला पंजाब। माली इमदाद के लिए 80 लाख अफराद की रजिस्ट्रेशन, दरख्वास्तों की स्क्रूटनी के बाद इमदाद की फराहमी का आगाज होगा। मजदूरों को माहाना 4,000 रुपए दिए जाएंगे। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की जेर सदारत टास्क फोर्स ब्राय फरहामी माली इमदाद का दूसरा इजलास। और खुबरू चेहरा, दिल नशीन लहजा, आवाज बेमिसाल पॉप गुलूकारा नाजिया हसन की आज 55वीं सालगिरह। नाजिया हसन ने कम उम्र में ही अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनके लाजवाब गीत आज भी मद्दाहों के लिए फरहत का बायस है।